वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें देखिए इस डिज़ाइन में हमने एक्सट्रूड बॉस, फिर यहाँ पर होल विजार्ड, फिर काउंटर बोर और कुछ कट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं, जिसमें देखिए रिब भी हमने यहाँ पे यूज़ की गई है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका 2D ड्रॉइंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको ये ड्राइंग PDF आपको चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, इसका PDF ड्राइंग आपको DM में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका ड्राइंग देख लेते हैं। तो देखिए ये हमने 2D ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें टॉप व्यू, सेक्शन व्यू, फिर यहाँ पर राइट व्यू, फिर यहाँ पे फ्रंट व्यू, और यहाँ पर देखिए इसका सेक्शन व्यू यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस ड्राइंग को हम चेक अभी नहीं करेंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, और इसके सारे डायमेंशन एक एक करके हम उस मॉडल में अप्लाई करने वाले हैं। आपको ये ड्राइंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है, ओरिजिन पॉइंट से ड्रैग करेंगे, फिर यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करना है, इस तरह से दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 105 mm, फिर यहाँ पर स्मॉल वाले सर्कल का डायमीटर रहेगा 44 mm। फिर सिंपली आपको फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, ब्लाइंड कंडीशन में इसकी साइज रहेगी 7.5 mm, और फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पर टॉप फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर स्केच करेंगे, और यहाँ पर इस छोटे वाले होल को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। फिर यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इसका डायमीटर रहेगा 55 mm। यहाँ पर हमें एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसकी टोटल लेंथ 82 mm है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 82 माइनस इसकी साइज थी 7.5 mm, तो वो माइनस करेंगे, तो 74.5 इसकी हाइट रहेगी, और फिर ओके कर देंगे। बैक फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका डायमीटर रहेगा 50 mm। अब फीचर टैब में जाना है और यहाँ पर एक्सट्रूड कट 3 mm एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर ओके करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टॉप फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, फिर यहाँ पर सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइन एक आपको क्रिएट करनी है, ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पर मिरर एंटिटी, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर मिरर अबाउट इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इन दोनों लाइन को मिला देना है इस तरह से, फिर आपको इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसकी विड्थ रहेगी 46 mm, और यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट से इसकी हाइट रहेगी 40 mm। अब आपको ट्रिम एंटिटी में जाना है, फिर यहाँ पर पावर ट्रिम सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे, और इस अननेसेसरी सर्कल को डिलीट कर देना है, यानी कि ट्रिम कर देना है। फिर फीचर टैब में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। रिवर्स साइड में इसकी हाइट रहेगी 65 mm।
एडिट, इसकी साइज हाइट हमने 65 ज़्यादा लिख दिए, इसकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग 50 mm हमने अप्लाई की थी, तो 50 mm इसकी हाइट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर फिलेट अप्लाई करेंगे, फिलेट यहाँ पर 10 mm, इस एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस बॉटम वाली एज को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच, फिर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन हमने एक रेफरेंस पर्पस के लिए क्रिएट की है। अब यहाँ पर प्लेन सिलेक्ट करना है, एक प्लेन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रेफरेंस हमारा ये लाइन होगी जो सेंटर लाइन हमने ड्रॉ की थी, और यहाँ पर सेकंड रेफरेंस रहेगा राइट प्लेन। फिर यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पे इसका एंगल सेट करना है, तो इसका एंगल हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग 7.5 था, तो यहाँ पर हम 97.5 कर देते हैं, तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा प्लेन का, और फिर ओके कर देंगे। अब इस लाइन को हाइड कर देते हैं और इस स्केच को सिलेक्ट करना है, और स्केच हम यहाँ पर रिब क्रिएट करेंगे, रिब के लिए स्केच पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ पर इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ करना है, दोनों के एजेस पर टेंजेंट कर देना है, सॉरी यहाँ पर कोइंसिडेंट इसका रिलेशन सेट कर देना है। अब यहाँ पर इसका स्मार्ट डायमेंशन अप्लाई करेंगे 49 mm, और यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 35 mm। और सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब इस प्लेन को हाइड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर रिब वाला फीचर एक्टिवेट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इसकी साइज हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग 4 mm हमने अप्लाई की थी, तो यहाँ पर 4 mm, और फिर ओके कर देंगे। सर्कुलर पैटर्न एक्टिवेट करना है, सर्कुलर पैटर्न एक्टिवेट करने के बाद इस रिब को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर डायरेक्शन इसका इस सर्कुलर एज को यानी कि सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ पैटर्न 6, 360 डिग्री में इक्वल स्पेस, तो इस तरह से यहाँ पे सारी रिब अप्लाई हो जाएगी। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है और नॉर्मल व्यू कर देना है। अब यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे, होल विजार्ड में यहाँ पर सिंपल होल हमें सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर ड्रिल साइज में यहाँ पर 9 mm सिलेक्ट करना है थ्रू ऑल, और यहाँ पर पोजीशन, तो इसकी पोजीशन सेट करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से सेट कर देंगे, और आपको कीबोर्ड के एस्केप की से आउट हो जाना है, यानी कि बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन से पहले हम यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर लाइन, फिर एक और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट के साथ मिला देना है आपको। अब स्मार्ट डायमेंशन एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 22.5 डिग्री, फिर यहाँ पे इस ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस 42.5 mm, क्योंकि इसकी पीसीडी हमने 85 यहाँ पे अप्लाई की थी, तो यहाँ पर देखिए फुल्ली डिफाइंड होल हो गया है। अब इसे ओके कर देंगे। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच, फिर यहाँ पर इस होल को सिलेक्ट करना है, इस एज को सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट एंटिटी कर देना है, फिर ऑफसेट में जाना है, ऑफसेट में यहाँ पर साइज इसकी अप्लाई करनी है 4.25, और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है,
अब यहां पर फीचर टैब में एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे 1 mm और फिर ओके कर देना। अब यहां पर सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, आपको सबसे पहले होल सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर बॉस एक्सट्रूड, नंबर ऑफ पैटर्न 6, 360 डिग्री इक्वल स्पेसिंग, और यहां पर इसका डायरेक्शन इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है स्केच। अब यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल कॉर्नर रेक्टेंगल यहां पे ड्रॉ करेंगे, अब इन तीनों लाइन को सिलेक्ट कर देना है और यहां पर सिमेट्रिक कर देना है। इसकी साइज अप्लाई करेंगे 1.5 mm, लेंथ आप इसकी साइज, ये रफ साइज है तो कोई भी साइज आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहां पर कट लगाएंगे, तो फीचर टैब में जाएंगे एक्सट्रूड कट, इसकी साइज रहेगी 65 mm और फिर ओके करेंगे। अब हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है नॉर्मल व्यू और होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में जाने के बाद यहां पर काउंटर बोर आपको सिलेक्ट करना है, काउंटर बोर में अनसिमेट्रिक सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर सॉकेट हेड कैप सिलेक्ट करना है, इसकी साइज आपको M8, फिर यहां पर नॉर्मल, फिर यहां पर देखिए सो कस्टम साइजेस, इसे टिक कर देना है। तो हम यहां पर इसकी साइज सारी अप्लाई करेंगे, 9 mm होल इसका रहेगा, फिर यहां पर काउंटर बोर की जो साइज है वो 16 mm अप्लाई करेंगे और काउंटर बोर की डीप रहेगी 2 mm। अब हमें पोजीशन सेट करनी है, तो पोजीशन में देखिए जो हमने यहां पे फिलेट अप्लाई किए उस पर आपको कर्सर ले जाना है, तो यहां पे देखिए प्लस पॉइंट ऑटोमेटिक आपको शो होने लगेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसी तरह यहां पर भी इसे सेट कर देंगे और डायरेक्टली ओके कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये फुली डिफाइंड हो गया है। तो देखिए इस तरह से ये होल काउंटर बोर यहां पे सेट हो जाएगा। फिलेट आपको अप्लाई करनी है यहां पे इस वाली एज पर, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं यहां पे 6 mm दोनों साइड में अप्लाई कर देता हूं और ओके कर देते हैं। अब आपको यहां पर इसका अपीयरेंस अप्लाई करना है, यानी कि मटेरियल इसका अप्लाई करेंगे, अपीयरेंस में जाके मेटल में जाएंगे, फिर यहां पर एल्यूमिनियम आपको सिलेक्ट करना है, एल्यूमिनियम में सैटिन फिनिश एल्यूमिनियम, देखिए ये वाला मटेरियल आपको सेट करना है। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, एडिट अपीयरेंस में जाएंगे, और ओके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले होल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पे बॉटम में इस वाले फेस को, यहां पर इस स्टेप को सिलेक्ट करना है और जितने भी यहां पर होल हमने क्रिएट किए हैं उन सबको सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर काउंटर बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, सेटिन फिनिश एल्यूमिनियम। तो ये इस तरह से करेंगे तो ये क्या है, लुक वाइज अच्छा दिखेगा। तो देखिए हमारा मॉडल हमने क्रिएट कर दिया है। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया डिज़ाइन लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।